हेलो माय यूट्यूब फैमिली का वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज वीडियो नंबर 5 पार्ट 5 और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू स्टडी एन इमेज। ये एक सीरीज चल रहा है जहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग AI इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं, जो भी हम लोग डिजायर्ड AI इमेजेस चाहते हैं उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसी के बारे में पूरा सीरीज है और ये वीडियो नंबर 5 है उस सीरीज का। और हम लोग सारी चीज़ों को डिटेल में सीख रहे हैं, जस्ट लाइक हम लोगों ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखा था जहाँ पर हम लोगों ने डिटेल में सारी चीज़ों को देखा था कि कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हैं, कैसे अच्छे प्रॉम्प्ट फ्रेम कर सकते हैं, कोई भी डिजायर्ड आंसर चाहिए, बट वो टेक्स्ट बेस्ड था जहाँ पर हमको रिस्पॉन्स मिल रहे थे। बट हम लोग AI टूल का इस्तेमाल करके इमेज जनरेट कर रहे हैं और उसके लिए प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, कैसे किसी भी इमेज को प्रॉम्प्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझा रहा हूँ। बिगनर से लेकर एडवांस तक हर एक चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और ये 6 वीडियो देखने के बाद आप किसी भी टाइप का इमेज आसानी से जनरेट कर पाओगे। ठीक है, वीडियो देखने के बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा कि यार कितना आसान था इमेज जनरेट करना। ठीक है, तो ये वीडियो 5 है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू स्टडी एन इमेज। अभी तक आप लोगों ने जो रिटन फॉर्म में इंग्लिश हिंदी में जो भी सारी चीज़ें उसको पढ़ा होगा, बट अभी हम लोग फोटो को पढ़ने वाले हैं, कैसे हम लोग इमेज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इमेज को पढ़ने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या है, सबसे पहला ये है कि नोट डाउन ईच ऑब्जेक्ट इन द इमेज। आपको इमेज में जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है ना उसको सबसे पहले बहुत ही ध्यान से देखना है। अब देखो इस इमेज को ध्यान से देखो, आप बहुत ही ध्यान से देखो ये इमेज। ठीक है, इस इमेज में आपको क्या क्या ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है, आपको क्या क्या ऑब्जेक्ट दिख रहा है, अब उसको सारे ऑब्जेक्ट को आपको लिख लेना है। ठीक है, जो भी आपके इमेज में ऑब्जेक्ट हैं, लाइक इसमें देखो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उसके बाद क्लासरूम है, क्लॉक है, ब्लैकबोर्ड है, ये क्लासरूम में तो ये सारी चीज़ें कॉमन है। ठीक है, क्लासरूम में सब आ जाएंगी। ओके, यहाँ पे देखो सोलर सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे सोलर सिस्टम है जिसका 3D के फॉर्म में है। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या ऑब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले सोलर सिस्टम जो कि 3D स्टाइल में अवेलेबल है, उसके बाद यहाँ पे टीचर है, स्टूडेंट्स हैं और क्लासरूम है विथ अ ग्लास वॉल। यहाँ पे क्लासरूम का वॉल कैसा है, ग्लास टाइप का है। ठीक है, अब क्लासरूम में ये सारी चीज़ें कॉमन आती हैं, ये सारी चीज़ें ब्लैकबोर्ड और घड़ी वगैरह तो ये सारे क्लासरूम में लगभग रहते ही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन करना, यही तो खास बात होती है, थोड़ा सा यहाँ पे सीखने वाली चीज़ होती है, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ होती है कि अगर आप स्कूल बोल रहे हो तो स्कूल में आपको ये नहीं एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि स्कूल में क्लासरूम होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्लासरूम में यहाँ पे देखो एक टीचर है, टीचर क्या कर रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टीचर क्यों चाहिए, टीचर इसलिए चाहिए क्योंकि टीचर को आपको बताना पड़ेगा कि टीचर क्या काम कर रहा है, क्योंकि मेरा फोकस टीचर पे था, ऐसा मत समझो, गलत ना समझना। ठीक है, तो टीचर क्या कर रहे हैं हमको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए हमको टीचर भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चाहिए, स्टूडेंट्स हैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट को मैंने, यहाँ पे लगभग 4 ऑब्जेक्ट हैं जो कि मेन है उसको मैंने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेकंड क्या है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इमेज को स्टडी करने का सेकंड स्टेप क्या है, स्टाइल ऑफ द इमेज। आपको इमेज का स्टाइल रिकॉग्नाइज करना है कि इमेज किस स्टाइल में है। अब हम लोग इमेज को पढ़ रहे हैं किस लिए, AI इमेज को जनरेट करने के लिए, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी के रेस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इमेज को स्टडी करने के लिए आपको इमेज के हर एक ऑब्जेक्ट को अच्छे से देखना है, उसको नोट डाउन करना है क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं ऑब्जेक्ट यहाँ पे नोट करने बैठे हो गए तो यहाँ पे माइक हो गया, यहाँ पे सूरज हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे एक और प्लेनेट हो गया, बैकग्राउंड में आपके बिल्डिंग्स हो गए, फिर ये हो गया, फिर स्केचिंग यहाँ पे बहुत बना हुआ है, यहाँ पे एक लड़की है, 3 आगे लड़की हैं, एक लड़का है, फिर एक लड़की एक लड़का है, बेंच है, उसके बाद ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे बुक सेल्फ है, ऐसे ऐसे जूम कर करके हर एक चीज़ नोटिस करने चले गए, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, ये मतलब देखो ऐसा इमेज ऐसा चाहिए ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला क्लासरूम, तो क्लासरूम में सारी चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ पे सोलर सिस्टम बोला सोलर सिस्टम, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे मतलब ऊपर ऊपर से आपको बेसिक ऑब्जेक्ट को जितने भी सारे उसको नोट डाउन कर लेना है पहला। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको ये करना है कि आपको इमेज की स्टाइल को रिकॉग्नाइज करना है, किस टाइप का इमेज आपको दिख रहा है, रियलिस्टिक लग रहा है, इलुस्ट्रेशन लग रहा है, पेंटिंग लग रहा है, आर्ट, स्केच, 3D इलुस्ट्रेशन। ठीक है, किस टाइप का इमेज लग रहा है, तो ये थोड़ा सा रियलिस्टिक इमेज है, आप देखो यहाँ पे तो थोड़ा रियलिस्टिक इमेज लग रहा है। ठीक है, ओके, इलुस्ट्रेशन कुछ और टाइप का इमेज होता है, पेंटिंग आप जानते हो पेंटिंग किस टाइप का होता है, आर्ट आप जानते हो, स्केच आप जानते हो, 3D इलुस्ट्रेशन किस टाइप का होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इमेज का स्टाइल कैसा है, तो इमेज को स्टाइल जानने के लिए सिंपली आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ChatGPT से इमेज के स्टाइल्स को निकाल सकते हो, 10-15-20-8-10 इमेज स्टाइल को निकाल के गूगल पे अलग अलग स्टाइल में इमेज डाल कर सिंपली आप देख सकते हो कि वो इमेज कैसे दिखता है, और बस आप सीख जाओगे कि कौन सा इमेज किस स्टाइल में है और कौन सा इमेज किस स्टाइल में कैसा दिखता है। ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दो काम करना है आपको, सिर्फ लिस्ट निकालना और गूगल पे उस टाइप के इमेज को सर्च करके एक बार देख लेना, आप समझ जाओगे। जैसे आप पेंटिंग को देखते हैं तो आपको पता है कि पेंटिंग कैसा होता है, रियलिस्टिक इमेज आपको पता है कि रियलिस्टिक इमेज कैसा होता है, इलुस्ट्रेशन 3D इलुस्ट्रेशन में भी आपको पता हो 3D इलुस्ट्रेशन कैसा होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है इमेज का स्टाइल। तो अब इस इमेज में हम लोग देखें अगर, तो इस इमेज का स्टाइल कैसा है, रियलिस्टिक है। ठीक है, एक रियल टाइप का इमेज है जो कि यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हो जो कि बाहर के स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे
लग रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई यार कार्टून टाइप के लग रहा था, आप देखो यहाँ प्योर कार्टून नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एआई टूल इस्तेमाल करो। लाइक अगर आप यही मिड जर्नी इस्तेमाल करते ना और रियलिस्टिक इमेज जानते तो ये और भी रियलिस्टिक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता, सुपर रियलिस्टिक देखने के लिए मिलता। बट हम लोग फ्री एआई टूल इस्तेमाल करें बिंग एआई, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि रियलिस्टिक इमेज नहीं है, बट ये लगभग रियलिस्टिक इमेज है, ठीक है, उस हिसाब से, उस टूल के हिसाब से, ठीक है। तो डिपेंड करता है, टूल वाइज भी डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टोन और इमोशन ऑफ द इमेज। इमेज का टोन क्या है, लाइक इमेज हॉरर टाइप में है, इमेज में ऐसा है कि एक्साइटमेंट सिचुएशन है, इमेज ऐसा है कि जिसमें एंगर का सिचुएशन है, इमेज ऐसा है जिसमें हैप्पीनेस है, इमेज ऐसा है जिसमें सोरो है, तो वो आपको इमेज का जो इमोशन है, जो टोन है, वो आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इमेज का यहाँ पे इमोशन रिकॉग्नाइज करना है। अब इस इमेज को ध्यान से देखो, आपको क्या लगता है इसमें कौन सा टोन हो सकता है, एक्साइटमेंट होगा, हैप्पी होगा, मोटिवेटेड होगा, एंग्री होगा, या फिर कोई और यहाँ पे इमोशन होगा। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे आप आंसर सोचो इसका क्या आंसर होगा। तो आई होप कि आपने आंसर यहाँ पे देख लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, एक्साइटेड, सारे स्टूडेंट एक्साइटेड है चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इमेज का इमोशन नोट डाउन करना है, इमेज का इमोशन जानना है। तो हम लोगों ने तीन स्टेप देखा, सबसे पहला क्या देखा, आपको इमेज भी जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं उन ऑब्जेक्ट को नोट डाउन करना है, दिमाग में रिकॉग्नाइज करना है। लाइक अगर मान लो आपके पास कोई इमेज नहीं है, आपको इमेज जनरेट करना चाहते हो, एक ऐसा इमेज जनरेट करना चाहते हो जिसमें एक टीचर पढ़ा रहा है क्लासरूम में और 3D मॉडलिंग के टाइप पढ़ा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 3D मॉडलिंग में क्या क्या होगा, उस इमेज में क्या एक टीचर हो सकता है, हो सकता है, क्लास होगा किस टाइप का होगा, आंखें बंद करके एक बार सोचोगे आप, उसके बाद और क्या होगा, टीचर क्या कर रहा होगा और क्या होगा, और जो समझा रहा होगा ब्लैक बोर्ड पे समझा रहा होगा, व्हाइट बोर्ड पे समझा रहा होगा, या फिर किसी स्मार्ट बोर्ड पे समझा रहा होगा, या फिर किसी 3D इलस्ट्रेशन की मदद से समझा रहा होगा, किस टाइप से समझा रहा होगा, ठीक है। तो वो सारे ऑब्जेक्ट आप नोट डाउन कर लोगे, उसके बाद वो इमेज किस फॉर्म में होना चाहिए, आपको पेंटिंग के फॉर्म में इमेज चाहिए या फिर आपको रियलिस्टिक इमेज चाहिए, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वो आपको इमेज में देखना है। उसके बाद तीसरा क्या है, इमेज का इमोशन क्या है। लाइक अगर आप किसी के ऐसा इमेज चाहते हो कि लाइक भूत आ रहा है, तो ऐसा नहीं देखा कि एक्साइटेड होना चाहिए इमेज का, जो कोई इंसान भाग रहा है भूत से डर के, उस टाइप का आपको इमेज चाहिए, और जो सीन है वो एक्साइटमेंट का सीन है, बहुत हैप्पी वाला रोमांटिक सीन है, तो ऐसा नहीं ना आपको चाहिए, ठीक है। तो आपको वो भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इमेज को स्टडी करने के लिए बेसिकली तीन स्टेप होते हैं, सबसे पहले उसके ऑब्जेक्ट को नोट डाउन करना, ऑब्जेक्ट को सारे ऑब्जेक्ट को ध्यान से अच्छे से रिकॉग्नाइज करना, सेकेंडली उसके टाइप को रिकॉग्नाइज करना, इमेज किस स्टाइल में वो रिकॉग्नाइज करना, और थर्ड यहाँ पे इमेज का इमोशन या फिर टोन क्या है, ठीक है। अगर ये तीन चीज़ें आप ध्यान से नोट डाउन कर लोगे, समझ लोगे, तो बस आप इमेज को स्टडी कर लिए, ठीक है। अब यही चीज़ें आपको इस्तेमाल करना, और इसके पिछले वाले वीडियो में जो मैंने तीन स्टेप बताया, उन तीन स्टेप को बेसिकली आपको फॉलो करना है, और फॉलो करके आप किसी भी इमेज को आसानी से जनरेट कर लोगे। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट रेडी है, रेडी प्रॉम्प्ट क्या है, आप देखो ये हम लोग का इमेज है, ठीक है। अब इस इमेज के लिए मैंने तीन चीज़ें नोट डाउन की, यहाँ पे ये नोट डाउन किया, इसका स्टाइल नोट डाउन किया, और इसका एक्साइटेड, यहाँ पे देखो इमेज का इमोशन मैंने नोट डाउन किया। अब यहाँ पे मैंने इसी को इस्तेमाल करके एक मैंने प्रॉम्प्ट क्रिएट किया इस इमेज के लिए, क्या लिखा है, क्रिएट अ रियलिस्टिक इमेज इन विच अ टीचर इज टीचिंग स्टूडेंट अबाउट अ सोलर सिस्टम विद 3D मॉडलिंग, द क्लासरूम इज मेड ऑफ ग्लास वॉल्स, द चिल्ड्रंस आर एक्साइटेड। अब इस प्रॉम्प्ट को हम लोग डाल के देखते हैं। सो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली हम लोग डाल देते हैं प्रॉम्प्ट, कंट्रोल वी कर देता हूँ, कंट्रोल वी करने के बाद सिंपली हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल देते हैं और देखते हैं हम लोग को क्या रिजल्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, देख सकते हो यहाँ पे हमको इमेज देखने के लिए मिल चुका है, जो कि लगभग उसी टाइप का इमेज है। मैं आपको इमेज ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे क्लासरूम में, यहाँ देखो कुछ इसी टाइप का इमेज हमको देखने के लिए मिला है, ठीक है, देखो। तो ये होता है एक अच्छे तरीके से कैसे प्रॉम्प्ट को जनरेट करते हैं। देखो सारे स्टूडेंट्स से काफ़ी एक्साइटेड है, इमोशन है, जो क्लास का जो बॉल्स है वो क्लास उससे बना हुआ है, टीचर एक्सप्लेन कर रहा है 3D मॉडलिंग की मदद से। इस वाले इमेज को भी आप देख सकते हो, सेम टू सेम वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और इस इमेज को भी देख सकते हो 3D मॉडलिंग से कैसे समझा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इमेज जनरेट कर सकते हो और इमेज को स्टडी करके प्रॉम्प्ट को फ्रेम कर सकते हो। तो अगर आपने वीडियो नंबर 4 और वीडियो नंबर 5 देखा होगा, वीडियो नंबर 4 में मैंने स्टेप्स बताए थे और वीडियो नंबर 5 में मैंने कैसे बताया कि आप इमेज को कैसे स्टडी कर सकते हो। अब दोनों को कंबाइन जब आप करोगे तो आप एक बहुत ही अच्छा प्रॉम्प्ट बना लोगे और किसी भी कॉम्प्लेक्स इमेज को आसानी से उसके लिए प्रॉम्प्ट लिख के जनरेट कर सकते हो, जो कि अगले वीडियो में हम लोग यही काम करने वाले हैं।
होप कि आपको इस वीडियो में जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए सिंपली वहाँ पे शेयर कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने के लिए अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स इमेजेस को कैसे जनरेट किया जाता है और कैसे उसके लिए प्रॉम्प्ट लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।